हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस नेताओं की ओर से गर्म जोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए शिक्षा मंत्री ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में चल रही चर्चाओं पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा की गई थी। इस पर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, यूपी मॉडल का जिक्र सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में किया गया था। हमारा उद्देश्य यह है कि हिमाचल प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में जो गिरावट आई है, उसे सुधारने के लिए देश के किसी भी प्रदेश का बेहतर मॉडल अपनाया जा सकता है। जहां तक मॉडल की आपने बात की, गुणात्मक मॉडल, और जहां पर भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगे, चाहे किसी भी प्रदेश की बात हो, उसको प्रदेश सरकार अडॉप्ट करेगी। और निश्चित रूप में जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात रही है, अतीत में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा। मुझे याद है जब प्रथम बार में विधायक बना था, उस वक्त हमारी हिमाचल की गिनती प्रथम 3 स्टेट्स में हुआ करती थी। गोवा केरला के साथ हिमाचल की गिनती हुआ करती थी। खेद का विषय है, विशेषकर पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिरा है, उसके एक नहीं अनेकों उदाहरण देखने को मिलेंगे। जो आपका नेशनल असेसमेंट सर्वे 2021 में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था, उसके अनुसार जहां पूरे भारतवर्ष में 28 स्टेट्स है, आज हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग 21 पे पहुंच चुकी है। आपकी असर की रिपोर्ट, उसके अनुसार हमारा 8वीं का बच्चा, आपका सेकंड का सब्जेक्ट्स, आपके जो करिकुलम है, जो आपका, मैं समझता हूँ आपका करिकुलम पढ़ने में असमर्थ है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है।